तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है, और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। कर्नाटक जीतने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर दक्षिण के नए राज्य में चुनाव अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। तेलंगाना के खम्मम में राहुल गांधी की रैली में भारी भीड़ देखने को मिली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे मैदान में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जहां भी नजर दौड़ाओ वहां लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है, और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की मीटिंग हुई दिल्ली में, विपक्ष की मीटिंग हुई और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का आदमी है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो बीजेपी और टीआरएस के विचारधारा का आदमी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और तेलंगाना को एक और बात समझनी चाहिए, तेलंगाना के युवाओं को एक और बात समझनी चाहिए, जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। लिकर स्कैम में जो भ्रष्टाचार किया वो सब एजेंसीज को मालूम है। इसीलिए मैंने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, और उन्होंने ये बात मान ली और अपना नाम बदल दिया। टीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, और इनको हम यहां से हरा के दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो और आप टीआरएस को बहुत आसानी से हरा सकते हो। आप में इतनी शक्ति है, आपने कर्नाटक में अपनी शक्ति दिखाई, अब यहाँ तेलंगाना में अपनी शक्ति दिखाओ। रैली में राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए बीजेपी और टीआरएस पर जमकर निशाना साधा।